गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? जय श्री श्याम सभी को। आई होप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज मॉर्निंग में मैं नहा धो ली हूँ और खा पी भी ली हूँ। बस अब मेरे को पार्लर जाना है। ठीक है, टाइम हो रहा है, लेट हो रही हूँ, बट मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक व्लॉग बना दूँ। कल मैंने एक व्लॉग बनाया था वैक्सिंग के ऊपर कि वैक्सिंग किस तरह से करनी है, वो भी बीन्स वैक्स, जो किसी को नहीं पता था वो मैंने इसमें वीडियो में बताया। और बहुत से कमेंट आए कि दी मुझे पता था, मुझे नहीं पता था। तो काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी लगी मेरी वीडियो और व्यू भी आप लोगों ने अच्छा दिया है, लाइक भी बहुत अच्छे दिए, सभी को इसके लिए थैंक यू। सो गाइज आज मैंने ना अपना हेयर वॉश नहीं किया, आप लोगों का कल वीडियो भी नहीं बनाया था, मैंने पूरे दिन शॉर्ट वीडियो नहीं बनाया, ना ही मिट्टी मुल्तानी का और ना ही किसी पैक का, ना ही किसी का सॉल्यूशन होता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि कल तबीयत खराब हो गई थी, गले अब बज गया था मेरा। और फिर उसके शाम को मैंने दवाई ली तो थोड़ा भी गला ठीक है। और गाइज आपको पता है अभी क्या टाइम हो रहा है, 10 बज रहे होंगे और मेरे को जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। तो गाइज देखना मम्मी उठी नहीं है अभी भी, ये देखो सो रही है। गाइज मैंने कहा उठ जाओ, थोड़ा मैं ब्लॉग बना लेती हूँ और आप भी आ जाना ब्लॉग में, उठ जाओ। कह रही हूँ हमने चाय वाय सब कुछ पी लिया है, पी के बैठे हैं। तो मैं एक चीज सोच रही थी गाइज, मेरे बालों में ना हाईलाइट देखो खत्म हो गई है बिल्कुल। ये देखो मैंने बहुत टाइम पहले हाईलाइट करी थी, मैंने पूरे बालों में करी थी, मेरे सारे बालों की हाईलाइट खत्म हो गई। अगर आप लोगों को हाईलाइट के बारे में जानना हो तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं कि आप हाईलाइट के बारे में बताओ, तो मैं हाईलाइट के बारे में बताऊंगी। और भी बहुत से मेरे पास ना क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या नाम है दीदी, वो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कैसे मतलब हटाना है अपना। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे, नहा के जब आप आते हो, मैं भी जब नहाती हूँ तो अपने वो जो टॉवल होता है ना, टॉवल से अपने ना ऐसे 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 बहुत टाइट हाथों से कर लो, इतना भी नहीं कि छिल जाए, हल्के हाथों से ऐसे ऐसे कर लो, जितना भी है सब निकल जाएगा। ठीक है गाइस, और कमेंट में ये बताना आप लोगों के जो मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों के लिए लाभदायक होता है या नहीं होता। देखो उनकी नींद ही नहीं खुल रही है, उठा रही हूँ, उठ जाओ गाइज। लाइट बहुत जाती है हमारे यहाँ पर और गर्मी भी इतनी हो गई है बहुत ज्यादा। आप कुछ बोलना चाहोगे? गाइज जल्दी जल्दी सपोर्ट करो मेरी बेटी को। और क्या बोलना और क्या गाइज बताओ, मैं रोज आपके लिए। अच्छा आप मुझे कमेंट में ये बताना कि एक दिन में कितने ब्लॉग बना के डालू जो आप लोग देख लोगे। ठीक है ना, अभी फिलहाल तो पहला ब्लॉग अभी बना ही रही हूँ आपके लिए मॉर्निंग का 10 बजे। और उसके बाद आप कमेंट में बताना कि कितने ब्लॉग आप लोगों को बना के दूँ दिन में, मैं उतने ब्लॉग बना के दूंगी। ठीक है ना। हाँ तो मैं ये पूछ रही थी कि मेरे आप बालों में ना हाईलाइट बिल्कुल खत्म हो गई है, ये देखो, देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल खत्म हो गई है, ना के बराबर हो गई है। तो मैं हाईलाइट कर लूँ, और आप लोग वीडियो चाहते हो हाईलाइट की तो मुझे कमेंट में बताना कि दीदी आप हाईलाइट करो, और कलर बताना गोल्ड ब्राउन डार्क गोल्ड, किस तरह का कलर आपको चाहिए, मैं उसी तरह का अपने बालों में करूँ, क्योंकि जो आप बोलोगे वही मैं अपने बालों में कलर करूंगी। ठीक है। और गाइस बहुत से लोग कह रहे थे कि मिट्टी मुल्तानी का पैक आप सर में लगा के बताओ, तो मैं वो ना अभी मिट्टी मुल्तानी मैंने भिगो रखी और भिगो के मैं भूल गई थी, तो आज शाम को मैं आके मिट्टी मुल्तानी का पैक का, नींद आ रही है क्या आपको? मेरे ब्लॉग में बने रहो। तो गाइज मिट्टी मुल्तानी का ना मैंने बना रखा, आपको दिखाती हूँ, मेरे को ये देखो पैक, मैंने ना इसे भिगो के रख रखा है, ये देखो भिगोया हुआ रखा हुआ है। टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे ना वो करने का, लगाने का टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मैं लगा देती। तो आज शाम को आऊंगी जब मैं, तो पैक भी बताऊंगी और हेयर पे भी मास्क बताऊंगी कैसे, क्योंकि शाम को आके हेयर वॉश करूंगी मैं अपना। ठीक है ना। मम्मी उठ जाओ ना, आप क्यों सो रहे हो, नींद आ रही है क्या? रात को नहीं सोए थे? गाइस यहाँ पे ना बहुत गर्मी पड़ती है, पता है मच्छर भी बहुत काटते हैं, गर्मी भी बहुत पड़ती है, क्या करें। गाइस लाइट भेज दिया करो आप लोग, लाइट वाइट भेज दिया करो, लाइट भी नहीं आती है, बहुत दिमाग खराब, लाइट चली जाती है गाइस बहुत ज्यादा, और आवाज में भी पता नहीं क्या हो रहा है, गला बैठ बहुत तबीयत खराब चल रही है। आप लोग भी ठंडा पानी मत पिया करो, और अभी फिलहाल तो एसी और कूलर के आगे तो कम ही बैठना, रात को कम चलाना, पंखे में ही जितना पंखा यूज करोगे ना उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि पंखे से ना ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती, ज्यादा ठंड भी नहीं लगती है, नॉर्मल रहता है ना। पानी कहीं धूप से आने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए ठंडा। हाँ, और जैसे मैं गाय स्कूटी चलाती हूँ कहीं से भी आती हूँ ना, तो पहले पानी जाती हूँ फ्रिज में निकालने, वही तो पानी मत रखो फ्रिज से, गला गाय बैठ गए, डॉक्टर भी बोले है बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना है, मगर मन ही नहीं मानता है गाइस, क्या होता हूँ। कोई नहीं गाइस, आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरे को बाल हाईलाइट करने हैं नहीं करने हैं। वैसे तो अभी देखो कितने सारे हो रखे हैं, पर सारे नीचे हो गए हैं। ठीक है। और भी अगर आपको पार्लर के बारे में कुछ जाना हो, कुछ टिप्स जाननी हो, तो मुझे कमेंट में बताना कि दीदी ये वाला टिप्स बताओ, तो मैं वो बताऊंगी। जो कुछ पूछोगे गाइस बता देगी, क्योंकि मैडम पार्लर वाली है, मेरे को भी बताती है। बिल्कुल, देखो कल अपर लिप किया था मैंने, चेहरे पे देखो मेरी झाइयां सब चली गई, मेरे बहुत झाइयां हो रखे थे गाइस। और पता है गाइस महीने महीने थर्मोपैक की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बताना, रात को थर्मोपैक की वीडियो बना दूंगी, क्या होता है ये भी बता दूंगी। ठीक है गाइस। तो मुंह पे भी जैसे स्किन बहुत ज्यादा मेरी ढीली लूज हो गई थी,
आरती ने सब चीज सेट कर देती है, मेरे महीने में 2-3 बार कर देती है। और देखो नाखून भी बार बोल बोल के नाखून भी देखो कितनी लंबी हो गई। नाखून की वीडियो चाहिए तो आरती को पता नहीं, लहसुन वगैरह अदरक का पानी ये सब लगाओ नाखून लंबे हो जाते थे, आरती की तरह मेरी भी नाखून लंबी हो गई। तो ठीक है गाइज, कमेंट में जरूर बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसी पे बनाऊंगी। तब तक के लिए पूछना होगा गाइज, पूछ लेना आरती से, बता देगी। बाकी थोड़ा सपोर्ट करो मेरी बेटी को। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।